हेलो कैंसर, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैंसर, आज हम करने वाले हैं आपके लिए रीडिंग फॉर जनवरी 16 टू जनवरी 31। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इस बीच फॉर द रेस्ट ऑफ जनवरी। फिर चाहे आप लोग मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कांटेक्ट में हैं या नहीं है, ये रीडिंग आपके लिए है कैंसर्स, एज लॉन्ग एज आपका सन साइन या मून साइन कैंसर है। तो चलिए कैंसर, हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ जनवरी। सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील करेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ जनवरी। सो कैंसर्स, हाउ विल योर पर्सन फील अबाउट यू। पहला कार्ड है यहाँ पे हर्मिट। आपके पर्सन बहुत अकेला है, अकेला फील कर रहे हैं शायद, बट वो आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं। टू ऑफ कप्स, अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में नहीं हैं विद दिस पर्सन, तो आई थिंक ये पर्सन काफ़ी अकेले हैं और आपको मिस कर रहे हैं। और अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक रहने वाले हैं। ये पर्सन आपको न्यू कप ऑफ लव देने के बारे में भी सोच रहे हैं, ऐसा है। आई थिंक ये पर्सन थोड़े से उदास हैं आपको लेके, हो सकते हैं बिकॉज उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। जितना प्यार वो आपको करते हैं उतना आप नहीं करते हो, जितना आप उन्हें करते हैं वो उतना नहीं करते हैं, ऐसा कुछ है। बट इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस नहीं है, अभी जस्टिस का रिवर्स आया है, तो इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है, उस वजह से वो अपसेट है या आप काफ़ी अपसेट हैं। और मे बी उन्होंने, वो हर्टेड है अभी उस वजह से कि उन्होंने आपको पास्ट में हर्ट किया है। पास्ट में अगर उन्होंने आपने उन्हें काफ़ी प्यार किया था तो उन्होंने आपको उतना प्यार नहीं दिया, तो उस वजह से वो काफ़ी हर्टेड है, अपसेट है, अकेले हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, या पास में कुछ इम्बैलेंस था आपके बीच में, कुछ लड़ाइयाँ थी, कुछ झगड़े थे, उस वजह से वो काफ़ी हर्टेड है अभी इस चीज़ को लेके। बट डेफिनेटली वो चाह रहे हैं कि वो आपको न्यू कप ऑफ लव दें, वो चाह रहे हैं कि वो आपसे फिर से बात करें, आपसे फिर से कांटेक्ट में आए, आपको कॉल करें, मैसेज करें, आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत लें, आपको प्रपोज करें जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, ऐसा भी है। बट उनके दिल में आपके लिए बहुत लविंग फीलिंग्स हैं, वो बस चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में अब सब कुछ जो है वो बैलेंस में आ जाए और कुछ भी इम्बैलेंस ना रहे। वो आपके साथ ही विक्ट्री जाते हैं, आप देख रहे हैं थ्री ऑफ कप्स। कुछ थर्ड पार्टी भी लग रही है मेरे को यहाँ पे, उस वजह से इस रिश्ते में लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं और इम्बैलेंस आया हुआ है इस रिलेशनशिप में। लेकिन वो उस सब चीज़ से बाहर निकल के आपको ये न्यू कप ऑफ लव देना चाहते हैं। आई थिंक थर्ड पार्टी की वजह से आपके बीच में कुछ झगड़े हुए थे पास्ट में, उस वजह से आपके पर्सन ने या तो आपसे बात करनी बंद कर दी या आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया। बट डेफिनेटली वो चाह रहे हैं कि वो आपसे फिर से कांटेक्ट में आएं, आप दोनों फिर से एक हो जाएं, या ऐसे कुछ वो चाह रहे हैं, और आप लोग फिर से मिलके साथ में एंजॉय करें। अब देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा फॉर द रेस्ट ऑफ जनवरी। कैंसर, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। यहाँ पे कार्ड है नाइन ऑफ कप्स। नाइन ऑफ कप्स, यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ कप्स रिवर्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग इमोशनली अगर बहुत अपसेट हैं चीज़ों को लेके, बहुत लो फील कर रहे हैं, तो उससे वो जो चीज़ है इमोशनली लो, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। आप लोग इमोशनली बहुत फुलफिल्ड फील करेंगे इस पर्सन के साथ। ये पर्सन आपसे बात करेगा, ये पर्सन आपसे कॉल करेगा, ये पर्सन आपको मैसेज करेगा, और ये पर्सन आप क्लैरिटी देगा अपनी लाइफ में। थर्ड पार्टी यहाँ पे दिख रही है मेरे को, थर्ड पार्टी हो सकती है इस रिलेशनशिप में, लेकिन थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप से आउट होने वाली है इन बाकी के बच्चे हुए जनवरी में। आई थिंक आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है, थर्ड पार्टी से अब वो कुछ भी कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहते हैं, और वो आपके पास आना चाहते हैं, आपको इमोशनली फुलफिल करना चाहते हैं। वो आपको अपनी लाइफ का किंग और क्वीन मानते हैं, और उन्होंने डेफिनेटली थर्ड पार्टी से अपने कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिए हैं, और उन्हें इस बात का बहुत रिग्रेट भी है कि उन्होंने थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में लेके आए। थर्ड पार्टी उनकी फैमिली भी हो सकती है, कि उनकी फैमिली जो है वो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट है, और वो नहीं चाहते कि आप दोनों की शादी हो, आप दोनों एक हों, या आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट आउट हो। लेकिन डेफिनेटली आपके पर्सन तो आपके पास ही आना चाहते हैं, बिकॉज वो जानते हैं कि उनकी जो ये इमोशनल नीड्स तो फुलफिलमेंट है वो आपके साथ ही है, और वो चाहते हैं कि जितना उनका कनेक्शन आपके साथ है उतना किसी के साथ नहीं हो सकता। मे बी
आप अपने पार्टनर की वजह से थोड़े से इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, आप परेशान हो थर्ड पार्टी की वजह से, फैमिली की वजह से, कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन जनरली ऑन अ मेजर लेवल आपसे बात करेंगे, आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आपसे ढंग से सब कुछ चीज़ें जो हैं सॉर्ट आउट करना चाहेंगे इस जनवरी में। आप देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे कैंसर्स। सो नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पार्टनर फॉर यू कैंसर्स, यहाँ पे कार्ड आए हैं गाइस, हार्टेक एंड लॉस, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। बहुत ज़्यादा परेशान हैं या तो आपके पर्सन या आप इस रिलेशनशिप की वजह से, और यहाँ पे मेरे को थर्ड पार्टी की वाइब्स आ रही है बार बार, थर्ड पार्टी है कोई जो आके आपके पर्सन की लाइफ में कन्फ्यूजन लेके आई हुई है, वो आप दोनों के बीच में एक दरार जो होती है उस वजह से हो रही है। ओ माय गॉड, यहाँ पे आपके लिए सारे कार्ड्स ही नेगेटिव आए हैं, राइट। यहाँ पे आई थिंक कोई है जो नहीं चाहता कि आप दोनों एक हो। कार्ड नंबर थ्री, हार्ट एक एंड लॉस, यहाँ पे थर्ड पार्टी है। आई थिंक या तो उनकी मदर या उनकी फैमिली या कोई थर्ड पर्सन की लाइफ में, जिस वजह से आप दोनों के बीच में यहाँ पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आप दोनों मेंटली बहुत परेशान रह सकते हो। आपका पर्सन आप में से काफ़ी लोगों के लिए वो थर्ड पार्टी को चूज़ कर सकता है, आप में से कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, पर आपका पर्सन बिल्कुल अपना जो ट्रू फेस है वो आपको शो कर सकता है कि उन्होंने या तो आपको धोखा दिया है या वो आपको धोखा दे सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा अवेयर होकर रहना पड़ेगा। आप मे बी आप में से काफ़ी लोग जेलस हो कि आपका पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहा है और वो किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, ऐसा भी कुछ है, अपनी फैमिली का टाइम स्पेंड कर रहा है। लेकिन मुझे आपका रेस्ट ऑफ द जनवरी थोड़ा सा मेंटली आप लोग परेशानी में मुझे गुजरता हुआ दिख रहा है। चूज़ वाइजली कार्ड है यहाँ पे गाइस, तो आपके पर्सन के आगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उन्हें उसमें से चूज़ करना है। तो आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन जो हैं वो उस थर्ड पार्टी को चूज़ कर सकते हैं या फिर कन्फ्यूजन में रह सकते हैं कि उनको किसके साथ रहना है, और उस वजह से आपका बहुत हार्ट एक एंड लॉस हो रहा है, बिकॉज़ आप लोग बहुत ज़्यादा अपसेट और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो इस पार्टनर की वजह से। आप लोग शायद इस पर्सन का ट्रू फेस देख नहीं पा रहे हो या आप लोग देखना नहीं चाहते हो, लेकिन ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है अपनी लाइफ में। ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इसको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, और ये पर्सन कन्फ्यूज है। इस पर्सन ने आपका बहुत दिल दुखाया है। ये पर्सन शायद थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहा है, हो मे बी ये आपके पास आना चाहता है या आपको कप ऑफ लव देना चाहता है, लेकिन कोई चीज़ है जो उसे रोक रही है, जो उसको आपके पास आने नहीं दे रही है, या ये पर्सन हमेशा से ही ऐसा था, कुछ भी रीज़न हो सकता है गाइस। सो आई थिंक आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा और आपको इतना इस पर्सन को चेस करना बंद करना पड़ेगा, बिकॉज ये पर्सन कन्फ्यूज है। इसको आप अपने आप ही सॉल्व होने दीजिए। ये पर्सन जब आप इस चीज़ से बाहर आ जाएगा इसको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, तो आपको अपने आप क्लैरिटी मिल जाएगी। कैंसर, चलिए यहाँ पे कार्ड है एडजस्टमेंट्स। ये पर्सन आई थिंक एडजस्ट करने को रेडी नहीं है आपके साथ, या फिर आप रेडी नहीं हो, या फिर कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे कार्ड आया था गाइस क्वीन ऑफ सोर्ड का, तो यहाँ पे एक कुछ होप है कि आपको प्रपोजल मिल सकता है। ये पर्सन इस थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ सकता है और आपको प्रपोज कर सकता है। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग्स ले सकता है, और आप जो भी आपको हार्ट एक और लॉस हो रहा है अपनी लाइफ में अभी, उस चीज़ से आप बाहर निकल सकते हो। लेकिन ये पर्सन अभी बहुत कन्फ्यूज है। डेटिंग, तो आप लोग फिर से डेट करना स्टार्ट कर सकते हो इस पार्टनर को, या फिर आप लोग नए पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो कि आपकी लाइफ में वो लव ले गया जो आप ढूंढ रहे हो। लेकिन इस पर्सन को आपको अभी चेस करना बंद करना पड़ेगा। इस पर्सन को आपको अभी कॉल मैसेज करना बंद करना पड़ेगा, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड है। अगर आप इसके पीछे पीछे जाओगे तो आपको ही हार्टेक होगा, आपको लॉस होगा। तो आप प्लीज़ अभी इतना इसमें इन्वेस्ट ना करें। यहाँ पे कार्ड है पावर सिंबल टू क्रिएट लकी सेरेंडिपस इवेंट्स। तो अगर आप इस पर्सन पे अपना ध्यान नहीं दोगे और आप अपने आप पे ध्यान दोगे, राइट, ये पर्सन आपकी लाइफ में फिर से आ जाएगा। जितना आप इसको चेस करोगे, जितना आप इस पर्सन का एडजस्ट करने की कोशिश करोगे इसके हिसाब से, तो उतना ही आपसे दूर जाएगा। आपको इसको अपने पीछे लाना है, ना कि आपको इसके पीछे जाना है, राइट।
तो अभी अगर ये कन्फ्यूज है किसी और चीज़ में, जस्ट लेट हिम बी कन्फ्यूज, आप उसको छोड़ दीजिए, राइट? बिकॉज अगर ये पर्सन आपका है तो ये आ ही जाएगा, और फिर ये पर्सन आके आपको प्रपोज भी करेगा, बट इस पर्सन को अपनी वैल्यू रियलाइज होने दीजिए, ना कि आप एज अ ऑप्शन इसकी लाइफ में जाइए। यहाँ पे कार्ड है यू ब्रिंग लाइट टू द वर्ल्ड, सो डेफिनेटली आप इस पर्सन की लाइट है और ये बात जानते हैं, और अगर वो अभी लाइफ में इतने स्टक है ना, तो उनकी लाइफ का जो ये होप है वो आप ही हैं, राइट? लेकिन अभी इसको, अभी इस थर्ड पार्टी, चाहे इसकी थर्ड पार्टी इसकी फैमिली हो, इसकी मॉम हो, इसकी जॉब हो, कुछ भी हो, अभी आप इसको चेज करना बंद करिए और आप अपनी लाइफ पे ध्यान दीजिए। चलिए कैंसर आपके लिए एक कार्ड और निकालते हैं कि फॉर लव लाइफ जनवरी, इनफाइनाइट अबंडेंस, अबंडेंस इज पोरिंग इन टू योर लाइफ। सो अगर आप लोग अपना इनर वर्क करते हो, आप लोग अपने पे ध्यान देते हो, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, ये पर्सन आएगा, आपको न्यू कप ऑफ लव देगा। लेकिन आपको अभी इस पर्सन के पीछे नहीं जाना है, क्योंकि ये पर्सन खुद ही था कन्फ्यूज है, आपको कन्फ्यूज़ कर देगा या आपको हर्ट करेगा ये पर्सन फिर, राइट? तो अभी इसको छोड़ दीजिए, आप लोग अपनी लाइफ के डिसीजंस लीजिए, बिकॉज जब इस पर्सन का ट्रू फेस आपके सामने आएगा, ट्रू फीलिंग्स आपके सामने आएगी, तो सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी लाइफ में। तो आपको अभी बिल्कुल इस पर्सन के पीछे नहीं जाना है, आपको अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, बिकॉज इस रिश्ते में अभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, और ऐसे रिलेशनशिप में रहना भी नहीं चाहिए, राइट? अभी जब तक इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ना हो, तब तक आपको इस पर्सन को चेज़ नहीं करना है। सो कैंसर, दिस इज़ माई एडवाइस फॉर यू। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।